कंफ्यूजन कंफ्यूजन, कहां से पढ़ो, कितना पढ़ो, कितने टेस्ट दो, 2 महीने रह गए हैं, क्या रिवाइज करो क्या रिवाइज नहीं करो। लेट मी क्लियर एवरीथिंग टुडे। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार बच्चों, इस बात को गांठ बांध लो, तुम्हारे 2 महीने रह चुके हैं एग्जाम के लिए। मैं पिछले 13-14 सालों से पढ़ा रही हूं, कम से कम 15 सालों से पढ़ा रही हूं, हजारों बच्चे मेरे डॉक्टर बन के निकल चुके हैं। तुम 90% सिलेबस कर लो, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो कहती हूं तुम 85% सिलेबस खत्म करके जाओ बच्चों, पर इस सिलेबस को 4 बार कर जाओ, ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी नंबर 1 होनी चाहिए। अगर तुम अपने सिलेबस को, इफ यू आर स्टडिंग योर सिलेबस ओनली वंस, इट इज अ वेस्ट। अगर इफ यू आर स्टडिंग अ चैप्टर जस्ट वंस, लास्ट मोमेंट यू आर स्टडिंग इट एंड यू आर नॉट रिवाइजिंग इट, इट इज अ वेस्ट। कम पढ़ो, आई एम टेलिंग यू, तुम फिजिक्स 80% कर लो बस, इनफैक्ट तुम 80% केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स तुम 70% कर लो, और तुम्हारी बायो तो तुम्हें पता है अच्छी होगी बेटा, देन ऑल्सो यू विल गेट अ सीट। कोई फायदा नहीं है किसी चीज को एक बार पढ़कर। दूसरा ब्लंडर जो बच्चे करते हैं ना बेटा, सबसे मतलब बिगेस्ट ब्लंडर ऑन अर्थ जो बच्चे करते हैं, मैं तुम्हें बता रही हूं, वो ये करते हैं कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं ना, जिनमें से हमें पता है श्योर शॉट, हमें गारंटी है क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक्स में तुम्हें भी बताने वाली हूँ, वो बच्चे करते नहीं है। उस चक्कर में अपना जो टाइम है, जो मेन अपना टाइम है पढ़ने वाला, वो किसी ऐसे टॉपिक पे वेस्ट कर देंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, 1-2, पर जिनमें से हमें पता है 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आने, उनको करेंगे नहीं, उन पर उतना ध्यान नहीं देंगे, उन पर उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, उतने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो कुछ बायो के और कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स में तुम्हें बता रही हूँ, और 10 दिन का चैलेंज देती हूँ, हफ्ते 10 दिन का, ये सारे टॉपिक्स करो। स्पेशली ड्रीमर, स्पेशली ड्रॉपर्स, तुमने 1 साल ड्रॉप किया है, मेहनत करी है 1 साल, तुमने 1 साल अपना दिया है ताकि तुम आगे बढ़ सको। सो प्लीज मेरी बात सुनो, लेट मी शो यू दोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले एवोल्यूशन। देखो मैंने जेनेटिक्स को भी बाद में लिखा, तुम सोचोगे वाणी मैम ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बेटा जेनेटिक्स तुमने 5 टाइम्स किया होगा, पर एवोल्यूशन तक पहुंचते पहुंचते हमेशा काम छोड़ दिया होगा। बोलो यस या नो मैम, टेल मी यस और नो। सबसे पहले तुम एवोल्यूशन करो बेटा, इसमें से 4-5 क्वेश्चंस आने हैं, सिंपल एनसीईआरटी की लाइव क्वेश्चंस आने हैं, इसको अवॉइड नहीं करना। बायोटेक के बेटा 2 चैप्टर है, इसमें से भी 5 और 6 क्वेश्चंस तुम्हारी जेब में, मतलब अगर तुमने सिर्फ ये 2 टॉपिक कर लिए, 11-12 क्वेश्चन तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। इन चैप्टर्स को किसी भी कंडीशन में अवॉइड मत कीजिए, प्लीज इन चैप्टर्स को करिए, 1-2-3 बार करिए। स्पेशली एवोल्यूशन में ह्यूमन एवोल्यूशन कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, यहां पर एवोल्यूशन में जो टाइमलाइन है एवोल्यूशन की, उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, जो ग्राफ है एवोल्यूशन का स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन आएगा 3 या 4 क्वेश्चन, अगर तुम्हारे गलत हो गए तुम्हारा रैंक नहीं आएगा, बिकॉज दैट मीन्स तुम्हारे 60 मार्क्स जो है वो नेगेटिव में चले जाएंगे। प्लीज इसे अवॉइड मत करिए। सेल बायोलॉजी से बेटा 7 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें स्पेशली मियोसिस में से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड विद दिस चैप्टर, तुम्हें ये चैप्टर की पूरी चीज एकदम रट्टी हुई होनी चाहिए। इकोलॉजी, ये बहुत इजी लगता है, इसीलिए बच्चे इसको ओवरलुक कर लेते हैं, पर इसके अंदर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कई बार, आपसे पूछेगा इन्वर्टेड कौन होता है, स्ट्रेट कौन होता है, फॉरेस्ट में कैसा होता है, ट्री में कैसा होता है, और तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चे इसको मल्टीपल टाइम्स कर लेते हैं, विच इज गुड, पर ये जो बाकी टॉपिक्स है ना, इनको अवॉइड कर लेते हैं, आपने इनको अवॉइड नहीं करना है। फिजिक्स के 2 टॉपिक्स मैं बताती हूँ, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स बेटा वेरी वेरी स्कोरिंग है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्कोरिंग। प्लीज अगले 1 वीक 10 डेज में इन सारे चैप्टर्स के ऊपर आप लोग बहुत जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना यू मेक वन कंप्लीट, क्या ये तो कर लिया मैंने, बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा सारा सिलेबस। मैं तुम्हें बताती हूँ
एक बार ये टॉपिक्स हो गए बेटा, प्लीज वाणी मैम की बात सुनो। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मॉक टेस्ट देना शुरू करो बेटा। वेदांतों के जो मॉक टेस्ट्स है बच्चे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, वाइटी बायोटॉनिक कोड लगाइए, 25 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे सिर्फ 900 कुछ रुपीस में। प्लीज मेरे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मॉक टेस्ट दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करिए, सिलेबस को कंपेयर पूरा खत्म कीजिए। अगर आपसे 99% 100% नहीं होता, आप 85% कीजिए, बट 2-3-4 बार रिवाइज कीजिए, बार बार एनसीईआरटी पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज कर लीजिए और खूब मॉक टेस्ट दीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको एग्जाम में अच्छा करने से रोक नहीं सकती। रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूरी नहीं है आपने 100% सिलेबस एक बार किया हो, जरूरी आपने 85% सिलेबस चार बार किया हो। प्लीज इस बात को समझो। आई रिक्वेस्ट यू मेरे बच्चों, मेरे से अगर एक्सपीरियंस से एक चीज सीखना चाहते हो, आप 10 चैप्टर कर लो कि मैंने मार्च में सिर्फ 10 चैप्टर करने हैं, उन 10 चैप्टरों को 4 बार 5 बार 6 बार करो। जस्ट डू 10 चैप्टर्स बट डू देम एटलीस्ट 7-8-9 टाइम्स। Don't do 20 chapters. It is not possible. Don't do 20 chapters one time. It is of no use. It is a waste. Just do 8-10 chapters, but do them many, many, many times. Lots of love. And remember, there is somebody who's always wanting your best, and that is one. So take care, bacho. And don't forget to like, share, and subscribe.